की है मेरे ख्याल में। आप अबाउट द वर्ड सो हाई लाइक, अबाउट द वर्ड सो हाई लाइक, आपसे जो है ना वो जो है ना वो जेंडर चेंज कर मेरे घर में आओ ना। नाजरीन ये भाई देखे मैंने उठाया होगा, चलें आप बताएं इंडिकेटर आई है इसी। कितना कॉन्फिडेंस, अरे वाह, आप सबके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। सुना सर, ये बंदे को पहचान लें, ये बंदा हमारा टीम मेंबर है भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैमरामैन नासर आज़ाद के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक फरीदी। आज फिर प्रोग्राम लिए मौज मस्तियां आवाम से करेंगे, चटपटे और फनी सवालात, तो आइए चलते हैं आवाम के पास। नाजरीन एक बहुत प्यारे भाई मिले हमें पार्क में, आइए इनसे बातचीत करते हैं और सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कोई सवाल कर सकते हैं आपसे? जी जी पूछे। सर चलें आप ये बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? चीन की है। मैं लेवल है सर। सर दोनों इकट्ठे सुनाएंगे या अलग अलग सुनाएं? क्या सुनाएंगे? माशाल्लाह बच्चे ने बहुत प्यारा कलाम सुनाया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सुनाए बेटा क्या सुनाना चाहते हैं? Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, light a diamond in the sky। सर क्या नाम है? नुमान। अच्छा सर आपसे एक सवाल कर लें फिर बच्चे से पॉइंट सुनते हैं। हाँ जी बिल्कुल। सर आप ये बताएं कि तीन डॉक्टर हैं, उनका भाई है पप्पू, उनका भाई है पप्पू, लेकिन पप्पू कहता मेरा कोई भाई नहीं है, इसमें ऐसा क्या लॉजिक है? ये डॉक्टर बता सकता है भाई। क्या डॉक्टर ही बता सकते हैं? तीन डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ ना। डॉक्टर चलें आपसे जो है ना वो जेंडर चेंज कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर बता सकते। चलें सर आपसे एक आसान सा सवाल पूछ लेते हैं, आप ये बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी दीवार किस मुल्क में है? दीवार चीन। वेल डन चीन। नाजरीन ये माशाल्लाह पाकिस्तान के नन्हे महकते फूल जो हमारा आने वाला कल है मेरे साथ आज मौजूद हैं, आइए इनसे सुनते हैं कि ये क्या सुनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सुनना चाहती बेटा? पोएम सुनाए। हाथी राजा कहाँ चले, सोच लाके कहाँ चले, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर भाई चटर पटर, चटर पटर भाई चटर। वाह जी वाह, हाथी बैठा कुर्सी पे और कुर्सी बोली क्या बोली? चटर पटर। चटर पटर आई थिंक बोली। अब हाथी बैठ गया नाजरीन कुर्सी पे तो कुर्सी ने तो कहना ही है चटर पटर। इतना हमारे साथ दो बड़े ही प्यारे भाई मौजूद हैं पार्क में, हमें मिले हैं, आइए नाजरीन इनसे आंसर क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर क्या नाम है? शहजाद। सर आपका नाम? मोहम्मद शुएब। सर आपसे समझ लें कि एक इकट्ठा कह लें कि मैं सवाल कर लेता हूँ। सर आपने ये बताना है, एक फ़नी सा सवाल है, आप ये बताएं कि बारिश भी पड़ रही है, एक बंदा छतरी के बगैर बाहर गया है लेकिन जब वापस आया तो उसका एक भी बाल गीला नहीं हुआ। बारिश भी पड़ी है छतरी के बगैर बाहर गया लेकिन उसका एक भी बाल बंदा गंजा। मैं जी बंदा गंजा। नाजरीन ये भाई की आदत है। सुना है आपका नाम डॉन है? थोड़ी कैप ऊपर करो। सुना है आपका नाम डॉन है? ये आपके भाई कह रहे हैं डॉन। वैसे एक बात बताऊं, आपको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, आप इधर फिर रहे हो? Oh, no. यार हिम्मत है आपकी। चलें आप मुझे क्या सुनाएंगे डॉन साहब? नाजरीन ये लग भी रहा है ना छोटा डॉन, देखे मैंने उठाया हुआ। चलें आप बताएं क्या सुनाएंगे? नाजरीन ये देखिए इसने सुनाया, ये सबसे मुश्किल नज़म है नाजरीन। और इसके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जान कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का। सर अल्लाह आपको सलामत रखे, आपसे सवाल कर सकते हैं? जी सर। पूछते हैं आप मुझे ये बता दें कि बारिश पड़ रही है, बंदे के पास छतरी भी नहीं है लेकिन वो भीग भी आया लेकिन उसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ। टेंट कराई है। नाजरीन पार्क में हमें ऐसा बच्चा भी मिला है कि मैंने कहा है कि कोई पोएम वगैरह, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं सबसे पोएम्स वगैरह सुनी है लेकिन ये कह रहा है आप आंसर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद अहमद। इतना कॉन्फिडेंस? यस। इतना कॉन्फिडेंस? यस। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। बाबा का नाम क्या है? मेरे डॉक्टर इशफाक। नाजरीन बच्चे के टैलेंट से पता चल सकता है कि यकीनन इनके बाबा भी अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंटेड होंगे क्योंकि बच्चे में कॉन्फिडेंस देखें। मैं पोइम की बात की, वो कहते हैं आप सवाल भी पूछ सकते हैं। चलें आपसे कोई फ़नी सा सवाल करते हैं, आप मुझे ये बताएं मुर्गी पहले आई थी कि अंडा? अंडा।
अंडा है। नाजरीन इसके इमोजी लगना चाहिए। जी तो नाजरीन हमारे साथ नन्हे फूल मौजूद हैं जो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला कल है। मेरे साथ अल्लाह की रहमतें मौजूद हैं क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह ढेरों दुआएं इनके लिए, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करें। आइए बच्चों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। क्या नाम है? इरशा। आपका क्या नाम है? दुआ फातिमा। आपका क्या नाम है? मरियम। आपका? मदीहा नूर। कौन कौन हम्द सुनाना चाहता है? रेज योर हैंड, अपना हाथ बुलंद करे जो जो हाँ पोइम नज्म जो सुनाना चाहता है हाथ बुलंद करे। आप सारे उसका हाथ आपने पकड़ा है, चलें आप सुनाएं जल्दी से। तितली उड़ी उनस के बस में चली, सीना मिले तो रोने लग, बंदे ने बोला आज मेरे पास, तितली बोली हट मत मार, तितली बोली हट मत मार, हट बस मार मेरा घर है पास, हट बस मार मेरा घर है पास। नाजरीन बच्ची का कॉन्फिडेंस चेक करें, माशाल्लाह खुशी होती है यकीन करें। जी आप भी सुनाएं। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, वहाँ से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गली। बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया नाजरीन पंजा। तो ये धनी था, मैं खुद हंस पड़ा। जी आप क्या सुनाएंगे? अरे आपका दांत चूहा ले गया। कहाँ है आपका दांत? नहीं पता, मैं मजाक कर रहा हूँ, अभी आ जाएगा, परेशान नहीं होना। नाजरीन ये बच्चों ने पोएमें सुनाई, ये गंजे वाली बात पे तो मुझे भी हंसी आ गई है। ढेरों दुआएं आप सबके लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन अपनी जो मेरी टीम है उनके साथ भी सवाल जवाब कर लूँ, और मैंने इनको बताया नहीं हुए जवाब, ये आप नाजरीन देख सकते हैं क्योंकि मेरे सवाल ऐसे इनको जवाब बिल्कुल कतन नहीं आएंगे। नाजरीन आप पूछते हैं, भाई माशाल्लाह मेरे दो भाई पहले भी आ चुके हैं प्रोग्राम में, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर घबराए हुए हैं, कोई जानवर तो नहीं गुम हो गया? नहीं जी, साथ लेके नहीं आए, घर बांध आए थे। सर ये बंदे को पहचान लें, ये बंदा हमारा टीम मेंबर है। भाई जरा हैंड वगैरह हिलाएं जरा पता चले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ये मेरे भाई हैं सारे, मेरे टीम मेंबर हैं, आइए इनसे सवाल पूछते हैं, मैंने जवाब नहीं बताया। सर आप चारों से एक सवाल है, वकील के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया जब वो सिविल हॉस्पिटल कह दिया जिस हॉस्पिटल में भी वो जाता है, फर्ज करें किसी हॉस्पिटल में गया है, लेकिन वहाँ की जो डॉक्टर है ना लेडी डॉक्टर, वो आकर भाकर कहती है ये तो मेरा बेटा है, ऐसा क्यों? फिर सुन लें, वकील के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में जाता है, जो लेडी डॉक्टर है वो भागकर आकर कहती है ओ ये तो मेरा बेटा है, ऐसा क्यों? वकील की मिसेज होगी। आप वो लेडी जो डॉक्टर है वो वकील की मिसेज है? आप हाँ उसकी वालो है, उसकी बेटी हो। नाजरीन ये देखें चलो यार ये बता दिया, लास्ट इनसे क्वेश्चन करते हैं। मुझे ये बता दें कि जापान को उभरते हुए सूरज की सरजमीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब सूरज तुलू होता है तो सबसे पहले किरणें वहीं पे पड़ती हैं। यार क्लैपिंग तो करें ना भाई। बस ऐसी क्लैपिंग, बड़ी ढीली क्लैपिंग भाई। क्लैपिंग के लिए बता दूं हमारे नाजरीन, क्लैपिंग की वजह से हमारे अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब हम क्लैप करते हैं तो हमारा अपना ही फायदा होता है। अब इनकी क्लैप देखिए जरा, ये नाजरीन की ये क्लैप है ना, अब वो थोड़ी सी अपने लिए भी करवा दूं, सारे यार एक क्लैप कर दो जरा, ये नाजरीन ये मेरे लिए क्लैप थी, ढेरों दुआएं सबके लिए। जी तो नाजरीन देखा आज आपने, हमने फिर आवाम से किए चटपटे और फनी सवालात। नाजरीन सवालों के जवाब हम आप पे छोड़ते हैं, कमेंट सेशन में हमें बताइएगा कि उन सवाल जो मैंने सवाल पूछे उन सवालों के जवाब क्या थे। कैमरामैन नासिर आज़ाद के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक फरीदी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।